हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? होलिका दहन का दिन आ ही गया, फाइनली होली आ गई है। आपसी बैर मिटाकर गुजियों की मिठास लाने वाली होली पूरे देश में हर्ष उल्लास से मनाई जा रही है। फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत 8 दिन तक होलाष्टक मनाया जाता है दोस्तों। और होलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काटकर उस पे रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांधे जाते हैं। उस शाखा को जमीन में गाड़कर उसके नीचे मदमस्त होकर लोग गाते बजाते होलिका का पर्व मनाते हैं दोस्तों। पिया संग खेलो होली, फागुन आयो रे। दोस्तों, जिस प्रकार दिवाली के दीपों की उष्णता और तेल की गंध से चातुर्मास के सारे कीटाणु का नाश हो जाता है, उसी प्रकार शीतकाल में जो भी कीटाणु भर जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे आसपास, उनका नाश होलिका जलने से उत्पन्न गहरे अग्नि ताप और अबीर गुलाल आदि की गंध से होता है। गाना, हंसना, तेज आवाज में बोलना गले का व्यायाम होता है, एवं अबीर गुलाल आदि का गले में जाना फेफड़ों और गले में जो अवरुद्ध कफ है उसकी निवृत्ति में उपयोगी होता है। होलिका त्योहार भी विधि स्वास्थ्य रक्षा के नियम अनुकूल है दोस्तों। होलिका की राख के भी बहुत सारे अचूक उपाय हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप खुद शॉक हो जाएंगे कि इतनी सारी होलिका का उपाय कैसे है। दोस्तों, शास्त्रों में होलिका दहन की रात को सिद्धि रात्रि भी कहा गया है। इस रात को महाशिवरात्रि, दीपावली, नवरात्रि की तरह महारात्रि माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन रातों में योग योगिनियां जागृत रहती है, इसलिए साधना का फल तुरंत मिलता है। दोस्तों, अगर आप किसी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो होलिका की राख लाके पूरे घर में छिड़क दें। इससे सारी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है। और ऐसी मान्यता है कि घर में वास्तु दोष होने पर भी लाभप्रद होता है। इससे लड़ाई झगड़े, आर्थिक बाधाएं, जो फिनेंशियल प्रॉब्लम, नौकरी अगर नहीं लग रही है उसकी प्रॉब्लम, वो सारी बाधाएं दूर हो जाती है दोस्तों। और अगर आपके ऊपर किसी ने या आपके घर पे तांत्रिक प्रयोग करवाया होगा तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासे, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण कर लें। इससे तांत्रिक जो भी प्रभाव होगा वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है और उसकी बीमारी लाइलाज हो गई है, काफी दवा कराने के बावजूद कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली में जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन होली की राख रोगी के शरीर पे लगाएं और फिर उसे गर्म जल से स्नान कराएं। इस उपाय से रोगी जल्दी ठीक होने लगता है। कोई भी विचार कर्म के कारण, जैसे वशीकरण आदि किसी ने किसी पे कर दिया है, सम्मोहन करा दिया है, अगर लगता है कोई टोने टोटके करवा दिए गए हैं, तो दोस्तों वो व्यक्ति अगर होलिका की राख उसके भी शरीर में अगर लगा कर गर्म जल से स्नान कराए तो नकारात्मक प्रभाव, जो भी नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास आती है वो हट जाती है। दोस्तों, अगर आप कोई लेडी हैं और आपके हस्बैंड दूसरी महिला के संपर्क में रहते हैं, किसी से रिलेशन रखते हैं, जैसे बोला जाता है लैंग्वेज में सेकंड वाइफ हो या सौतन हो या गर्लफ्रेंड हो, और वो आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, तो आप होली पर जो 7 बार जलती आग की परिक्रमा करें, उसमें आप 7 गोमती चक्र ले लें। हर परिक्रमा के साथ एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के होलिका में डालते जाएं। ऐसा करने से आपके पति आपके पास लौट आएंगे। दोस्तों, अगर तांत्रिक क्रिया का एक और उपाय है, जैसा मैंने बताया कि यदि कोई आपका
कोई इंसान आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, किसी को आपने कर्जा दिया है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपनी धन वापसी का निवेदन करें। उसके नाम पर फिर हरा गुलाल छिड़क दें, उस उपाय से आपका धन मिल जाएगा। यदि आप किसी से लड़ाई झगड़ा दुश्मनी समाप्त करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अचूक उपाय है, जैसा मैंने बताया, होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पे रात को 12 बजे जाएं। वहां जाकर होली जलने वाले स्थान पे अनार की लकड़ी से उस पर्सन का नाम लिख दें और फिर बाएं हाथ से उसको मिटा दें। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाकर अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पे डाल दें। ऐसा करने से वो इंसान आपके प्रति शत्रुता का भाव समाप्त कर देगा। होलिका की राख का एक और अचूक उपाय है दोस्तों, अगर आपकी जन्म पत्री या कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो आप होलिका दहन के समय सेम उपाय कर सकते हैं। बहुत इजी सा, 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान, इन सभी को ले करके फेरी लगा करके, 7 फेरी लगा के सब चीज़ों को होलिका जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन उस राख को लाकर स्वार्थ सिद्धि योग में शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके राज्य पक्ष से बाधा आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई बाधा आ रही है दोस्तों, तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आग की जड़ जलती हुई होली में फेंकें। इस उपाय को करने से आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सारी ऑब्स्ट्रक्शंस दूर हो जाने वाले हैं। अगर आप वास्तु दोष से ग्रसित हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें, अपने निवास स्थान के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट पर पूजन कर गुलाल चढ़ाएं। ये करने से आपका घर वास्तु दोष से मुक्त हो जाएगा। यदि किसी के ऊपर कोई डरता है इंसान, डर का साया है, तो होली पर 1 नारियल, 1 जोड़ा लौंग और पीली सरसों, इन सभी वस्तुओं को लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार कर होली की अग्नि में डाल दें। इमीडिएट प्रभाव होता है दोस्तों, सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है और जो भी पर्सन डरता है उसका भय समाप्त हो जाता है। दोस्तों एक बहुत ही अचूक उपाय आपको बताती हूँ, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य द्वार की चौखट पर 2 मुखे आटे का दीपक बनाएं। चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क कर दीपक जलाकर रख दें। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने के लिए निवेदन करें। आप खुद देखेंगे दोस्तों, ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। दोस्तों लास्ट बताती हूँ, अगर किसी बच्चे को या बड़े को नज़र लग जाती है बार बार, तो होलिका दहन के समय देसी घी में सेम इलाज करना है आपको। 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सब वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन होली की राख को तांबे या चांदी के ताबीज में भर के काले धागे में बांध के गले में धारण कर देना है। किसी की भी दोष नहीं लगती है, किसी का जो भी नज़र होती है वो सब उतर जाती है। दोस्तों होली की रंग पिचकारी सब दुकानों में सज चुके हैं, धुरेंडी मनाने का भी टाइम आ रहा है, और ऐसे में आपको मैं बता दूं, ये राख का उपाय आप कर लें, आप बम बम हो जाएंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राशि के हिसाब से आप राख के क्या उपाय कर सकते हैं जो आपको बनाएंगे माला माल। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग, हैव अ हैप्पी होली। कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के भेजें। सोशल साइट्स पे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, विश यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड होली। भगवान आपकी इस होली पे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी आशा के साथ आज के लिए जय माता दी।
हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 एज और एक ली इको का ली 2 मोबाइल। उसके लिए आपको तीन सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में तीन चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है, कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और ली इको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।